आज और एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा से परिचय कराएंगे दोस्तों। इस पौधा का नाम कसौंधी है। यह पौधा विषनाशक है। कैसा भी विष जहर को समाप्त करने के लिए यह अद्भुत है। यह सांप बिच्छू के जहर को समाप्त करने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह वात पित्त कफ नाशक होता है। यह बवासीर चर्म रोग आदि को दूर करता है। कसौंधी को काश मर्द के भी रूप में जाना जाता है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नाम से भी जानते हैं। यह चर्म रोग के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस पौधा का पंचांग यानी इसके फूल पत्ता जड़ डंठल आदि सभी को मिलाकर चूर्ण बना लें। इसे उबालकर क्वाथ बना लें। 20 मिलीग्राम सुबह शाम सेवन करने से दाद खाद खुजली आदि दूर हो जाता है। इसका लगातार सेवन आप 8-10 दिन तक करें और इसके क्वाथ को पानी में डालकर स्नान करें। इसके क्वाथ से प्रभावित स्थान पर धोएं या इसके जड़ को नींबू के रस में पीसकर लगाने से दाद ठीक हो जाता है। कट जाने पर इसके पत्ता को पीसकर लगाने से घाव शीघ्र ही भरने लगता है। किसी प्रकार के जहरीला पदार्थ खा लेने पर इसके पत्ता को सेवन करने से विष जहर समाप्त हो जाता है। अगर सांप बिच्छू ने काट लिया है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर बिच्छू ने डंक मार लिया हो तो इसके जड़ को पीसकर बिच्छू के डंक मारे स्थान पर लेप करें और इसके पत्ता को रस निकालकर दो दो बूंद कान में डालें और आँख में डालें। ऐसा करने से धीरे धीरे जहर उतर जाता है। इस प्रकार से कोई भी जहरीला कीड़ा काट लिया हो इसका प्रयोग करें, जहर समाप्त हो जाएगा। अगर मकड़ी का रगड़ लग जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर सूजन हो जाता है, तो इसके पत्ता को पीसकर उस स्थान पर लगाने से मकड़ी का जहर समाप्त हो जाता है। का और एक उपाय कर सकते हैं, पत्ता का रस निकालकर उसमें रुई डुबोकर आग में जलाएं और फिर उस रुई को उस स्थान पर रखें। इस प्रकार से इसे कुछ देरी तक करें, 2-4 बार इसका प्रयोग करें। मकड़ी का जहर इन्फेक्शन दूर हो जाता है। सर्प दंश होने पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्ता का रस निकालकर उसमें 11 काली मिर्च पीसकर मिला लें। हर 15 मिनट के बाद इसका सेवन कराते रहें और दो दो बूंद कान और आँख में डालें और सर्प दंत के स्थान पर इसके पत्ता और जड़ को पीसकर उसके आसपास लेप बनाकर लेप कर दें। ऐसा करने से धीरे धीरे जहर उतरने लगता है। फिर चाहे तो इसके बाद आप सरकारी हॉस्पिटल में लेकर बेहतर इलाज कर सकते हैं। यह बवासीर रोगियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। बवासीर में इसके 20-25 पत्तियां को तोड़कर सुबह खाली पेट इसे चबा चबा कर खाएँ। लगातार एक सप्ताह खाने पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। लगातार इसको 2-3 सप्ताह तक सेवन करने से बवासीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।